हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमा एजुकेशनल। हम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड के बारे में, और एमएस वर्ड के 3 क्लासेस हमने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, और उसको जाकर के आप लोग जो है चैनल पे देख सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है ये एमएस वर्ड का चौथा वीडियो होगा। तो चलिए एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टार्ट बटन में। यहाँ पे हमको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, या इसको आप रन करके भी ओपन कर सकते हैं विन वर्ड करके। हम यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरा जो एमएस वर्ड है ये ओपन हो चुका है। और एमएस वर्ड का पहला वीडियो हमारा जो था वो होम मेनू का था, और दूसरा और तीसरा वीडियो जो मेरा है वो जो है इंसर्ट मेनू के हमने इलस्ट्रेशंस ग्रुप यानी चार्ट ऑप्शंस तक कम्प्लीट किए हैं। अगर जो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सीरियल वाइज जा करके चैनल पे देख सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग लिंक ग्रुप, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल, इन ग्रुप को जो है हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे इंसर्ट मेनू में। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देख लेते हैं। लिंक ग्रुप में हमारे जो 3 ऑप्शंस मिलते हैं, पहला हमारा है हाइपरलिंक जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के होता है, दूसरा ऑप्शन हमारा बुकमार्क है, तीसरा हमारा क्रॉस रेफरेंस। ये तीनों हमारे लिंक करने के ऑप्शंस होते हैं। चलिए देखते हैं पहला हमारा जो लिंक है इसका प्रयोग क्या होता है। तो लिंक के माध्यम से हम क्या कार्य करते हैं कि किसी दूसरे फाइल को अपने एमएस वर्ड के पेज से लिंक करना। अभी जैसे ही हम हाइपरलिंक पे जाएंगे इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के होता है, उसको भी आप दबा करके कर सकते हैं। ये देखिए इंसर्ट हाइपरलिंक ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमको मिलता है लिंक इन यानी लॉग इन, यानी यहाँ से आपका जो फाइल है कहाँ पे है आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, ड्राइव है, या जहाँ कहीं भी आपका फाइल है आप यहाँ से लोकेशन दे सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए देखिए मेरा एक फोल्डर अभी जो है माय डॉक्यूमेंट में दिखा रहा है, सेंटर करके है। इस फोल्डर को हम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद ऊपर हमको मिलता है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी किस नाम से आप अपने फाइल को शो करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट यानी दिखाना चाह रहे हैं डिस्प्ले के रूप में। तो यहाँ पे हम इसको आप सिंपली ये भी रख सकते हैं, बट आप इसको मिटा भी दीजिए। मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ये मेरा मिट चुका है नाम, मैं इसका नाम रमा दे दे रहा हूँ। और जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पेज पे जो है रमा नाम से लिंक बन करके आ गया है। जैसे ही अपने पॉइंटर को हम ले जा रहे हैं तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कंट्रोल के साथ क्लिक करके फॉलो करने के लिए। तो अपने कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को जैसे दाबेंगे तो मेरा जो पॉइंटर है ये फिंगर की तरह हो जाता है, और माउस का लेफ्ट बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए लिंक हो चुका है फाइल मेरा, और हमसे परमिशन मांग रहा है ओपन करने के लिए। तो जैसे हम यस करेंगे तो जो फाइल हमने हाइपरलिंक के माध्यम से लिंक किया था वो देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इस तरह से हाइपरलिंक के माध्यम से हम किसी दूसरे फाइल को अटैच करके रख सकते हैं। अब इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। हाइपरलिंक का प्रयोग इसीलिए होता है, आप हाइपरलिंक के आगे भी कोई भी वर्ड लिख सकते हैं और पीछे भी कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, और ये चीज़ जो है आप कहीं भी ईमेल के माध्यम से या फाइल के माध्यम से कहीं भी गुप्त में भेज सकते हैं। और अगर जो आपको हाइपरलिंक पता है और उनको हाइपरलिंक पता है तो ये फाइल ओपन कर सकते हैं, और जिनको हाइपरलिंक के बारे में नहीं पता है तो इस फाइल को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन मेरा जो यहाँ पे है बुकमार्क, बुकमार्क भी हमारा लिंक करने का ही कार्य होता है। तो चलिए देख लेते हैं बुकमार्क का काम क्या होता है। सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमने 3 पैराग्राफ का टेक्स्ट लिख दिया है। अब देखिए बुकमार्क का काम क्या होता है। बुकमार्क का काम ये होता है कि आप अपने पेज पे जो मैटर लिखे हुए हैं किसी एक शब्द को आप जो है बुकमार्क करेंगे, फिर आप किसी दूसरे पेज पे हैं तो वहां पे आप जो है गो करके आने का कार्य करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे कुछ वर्ड है इन द इंसर्ट टैब, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद बुकमार्क पे जाते हैं तो यहाँ पे हमको मांगता है बुकमार्क नेम, आप किस नाम से बुकमार्क को सेव करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ आरईआई, और नाम देते ही यहाँ पे ऐड का ऑप्शन जो है शो हो जाता है। ध्यान रहे यहाँ पे आप अगर जो नंबर टाइप करेंगे देखिए ये ऐड का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया है और ये ऐड का बटन नहीं शो हो रहा है, तो नंबर करके आप नाम को नहीं डाल सकते हैं। आप टेक्स्ट में लिखिए, मैं अभी यहाँ पे लिख दिया आरईआई, और जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करते ही ये बुकमार्क में हमारे ऐड हो जाता है, आप देख सकते हैं नीचे। और आप किसी दूसरे वर्ड को भी करना चाह रहे हैं इसी तरह से ऐड, तो मान लीजिए यू कैन इजिली, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको भी हम बुकमार्क में किसी दूसरे नाम से, मान लीजिए इसका नाम हम दे रहे हैं पनेरा नाम से हमने इसको जो है ऐड कर दिया। तो ये 2 बुकमार्क हमने जो है पैराग्राफ में अभी लगा दिया है। अब मैं अपने पॉइंटर को पेज के नीचे लेके जाऊंगा, देख सकते हैं मेरा पॉइंटर पेज के नीचे जा चुका है। और अब हम चलते हैं बुकमार्क में। तो बुकमार्क में देखिए दोनों
जो बुक मार्क हमने लगाया एक आर्याई एक पनीरा के नाम से, तो ये दोनों में से आप जिस पैराग्राफ में जाना चाह रहे हो, जैसे मैं आर्याई पे जाना चाह रहा हूँ तो आर्याई में सेलेक्ट किया हूँ, और यहाँ पे हमको मिलता है गो का ऑप्शन। तो जैसे ही हम गो करेंगे तो उस पैराग्राफ में मेरा पॉइंटर डायरेक्टली जो है देखिए पहुंच जाता है और उस मैटर को क्या कर लेता है, ये सेलेक्ट कर लेता है। ये जो मेरा कार्य होता है बुक मार्क का होता है, और यहाँ से उस बुक मार्क को आप डिलीट भी कर सकते हैं, और जब डिलीट कर देंगे तो नहीं जाएगा वहाँ पे। दूसरा मेरा पनीरा वाला पैराग्राफ है, हम इसको भी देख लेते हैं, सिलेक्ट करके गो करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी मेरा पॉइंटर जो है आ जाता है। तो ये हमारा कार्य होता है बुक मार्क का, किसी भी पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करके टेक्स्ट को आप बुक मार्क लगा सकते हैं। अगला जो मेरा यहाँ पे ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस, तो क्रॉस रेफरेंस का काम क्या होता है कि बुक मार्क किए गए वर्ड को ही आप जो है क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं, और वो भी आपका लिंकेड ही होता है। तो जैसे ही हम चलते हैं क्रॉस रेफरेंस पे, क्रॉस रेफरेंस पे अभी कुछ नहीं शो होता है, बट यहाँ पे आप रेफरेंस टाइप में जब जाएंगे यहाँ पे आपको ढूंढना होता है बुक मार्क। देखिए यहाँ पे है बुक मार्क, तो आप जैसे ही बुक मार्क सेलेक्ट करेंगे तो आप जो बुक मार्क इस ऑप्शन के माध्यम से जो बुक मार्क आप लगाए रहते हैं वो नीचे आपको जो है शो होने लगता है। जैसे कि अभी दो बुक मार्क हमने यहाँ पे लगाया था पनीरा और आरियाई तक के, तो ये दोनों शो होते हैं। तो ये जो पनीरा लिखा है, इस पनीरा के थ्रू आप जिन वर्ड को सेलेक्ट करके बुक मार्क लगाए हैं उन वर्ड को जैसे ही आप यहाँ इंसर्ट करते हैं तो वो वर्ड यहाँ पे इंसर्ट होकर आ जाएंगे जहाँ पे आपका पॉइंटर रहेगा। अभी हम इंसर्ट करते हैं, देखिए यू कैन इजिली करके जो वर्ड था उनको हम सेलेक्ट करके लिंक कर रहे थे वो आ गया। तो अभी इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, तो क्लोज करने के बाद ये भी मेरा जो होता है ये लिंकेड होता है, और इसको भी आप जो है कंट्रोल के साथ क्लिक करके डायरेक्टली जो है आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्रॉस रेफरेंस का कार्य होता है। उसके बाद आपका होता है बुक मार्क में जा करके, अगर जो बुक मार्क को आप डिलीट कर देते हैं तो ये बुक मार्क आपके जो है डिलीट हो जाएंगे, फिर इनका जो है आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल के साथ आप नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा होता है बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस और हाइपरलिंक, ये तीनों हमारा जो है कम्प्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला ग्रुप हमारा जो है हीडर एंड फूटर का होता है। तो हीडर एंड फूटर का मुख्य प्रयोग हम लोग हेडिंग बनाने के लिए करते हैं, और यह एक तरह का वाटरमार्क हमारा होता है जो कि पेज के अंदर टाइप होता है टाइटल बनाने के लिए। तो पहला मेरा जो इसमें ऑप्शंस है ये हीडर है, तो हीडर हमारे पेज के सबसे ऊपर लगता है यहाँ पे भी मेरा पॉइंटर है। तो जैसे ही हम हीडर को क्लिक करेंगे ये देखिए हमारे पेज के जो है टाइटल में ये यहाँ पे कई तरह का दे रहा है, आप जैसा चाहिए हीडर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। चलिए हम क्लिक कर देते हैं, देखिए हीडर यहाँ पे लग चुका है। और हीडर लगने के बाद इसमें आप जो भी टाइटल लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैं अभी कुछ टाइटल लिख दे रहा हूँ, ये हमने कुछ टाइप कर दिया, और टाइप करने के बाद आप इसको जो है सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको जो है यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं और इसको हम जो है सेंटर में ले लेते हैं। अब देख लीजिए ये जो मेरा हीडर है ये पेज का टाइटल बन गया है, और यहाँ पे आपको मिलता है डिजाइन, एक मेनू आपको एक्स्ट्रा खुल जाता है जहाँ से आप हीडर के बाद गो टू फूटर भी जा सकते हैं, पेज नंबरिंग भी कर सकते हैं, डेट एंड टाइम भी ला सकते हैं, पिक्चर भी आपको लाना है यहाँ पे तो आप जो है हीडर में पिक्चर भी जो है इंसर्ट करके ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आप पिक्चर भी ला सकते हैं, ये बहुत बड़ा पिक्चर आ चुका है, हम इसको जो है छोटा कर लेते हैं। देखिए कई बार ये होता है कि हीडर में हमको पिक्चर चाहिए तो आप हीडर में जो है पिक्चर भी ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डिजाइन मेनू में आप आ जाइए, क्लिप आर्ट चाहिए यहाँ से ला सकते हैं, गो टू फूटर आप फूटर में भी जा सकते हैं। अगर जो इस हीडर को बंद करना है आपको तो क्लोज हीडर एंड फूटर आप क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, या फिर आप पेज पे डबल क्लिक करेंगे तो भी ये जो है क्लोज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टाइटल और पिक्चर हमारा जो है ये हीडर में शो हो रहा है। फिर से आपको पुनः अगर जो हीडर को ओपन करना है तो आप टाइटल में वहाँ पे डबल भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, और ये प्रक्रिया जो है आप डबल क्लिक करके फिर फोटो को डिलीट भी कर सकते हैं। और अभी यहाँ से क्लोज हीडर एंड फूटर करके हम बंद कर दे रहे हैं। तो ये हमारा काम होता है हीडर का। तो हीडर का काम क्या होता है, पेज के सबसे ऊपर जो है टाइटल बनाने का होता है। उसके बाद जो मेरा ऑप्शन होता है फूटर, तो हीडर और फूटर हमारे सेम कार्य करते हैं। फर्क क्या होता है कि फूटर हमारे पेज के नीचे लगता है, आप देखिए हीडर हमारे पेज के ऊपर लगता है, फूटर हमारे पेज के नीचे होता है। अभी ये मेरा पेज है, अगर जो आप पेज के नीचे अगर जो आप फूटर लगाना चाह रहे हैं यहाँ से क्लिक कर लीजिए, आपको फूटर के कई सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो आपको जैसा चाहिए फूटर आप क्लिक कर लीजिए तो यहाँ पे नीचे पेज के आपके जो है फूटर लग जाता है। फिर यहाँ पे भी जो है आप जो लिखना चाह रहे हैं
मान लीजिए मैं कुछ टाइप कर दे रहा हूँ यहाँ पे भी, देखिए तो यहाँ पे जो हम टाइप कर दिए हैं तो ये मेरे पेज के नीचे जो है लग गया है। और इसको भी आप जो है होम मेन्यू में आप यहाँ से ग्रो कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, और आप डबल पेज पे क्लिक कर देंगे तो फूटर भी आपको जो है क्लोज हो जाता है। ये आपका जो होता है हीडर और फूटर का काम होता है हेडिंग बनाना। आपका जो होता है हीडर पेज के ऊपर लगता है, फूटर पेज के नीचे लगता है, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपका जो होता है, अभी मैं प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, ये पेज के अंदर जो है आपका वाटरमार्क की तरह होता है। और ये चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि हीडर और फूटर में जो मैटर आप लिखे रहते हैं वो पेज के अंदर रहता है ना कि बाहर। जैसे कि अभी आप कंट्रोल ए करके, अभी देखिए ये जो टेक्स्ट है पेज के ऊपर है, अभी कंट्रोल ए करके मैं सेलेक्ट करके डिलीट बटन कीबोर्ड का प्रेस कर रहा हूँ, ये सारे मैटर हमारे डिलीट हो गए, लेकिन जो हीडर और फूटर में टेक्स्ट हमने लिखा है वो पेज के अंदर है, जो कि वाटरमार्क की तरह होता है, वो नहीं डिलीट होता है। ये हमारा हीडर और फूटर का काम होता है। अगले के ऑप्शन चलिए हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है पेज नंबर। तो पेज नंबर हमारा जो है ऑप्शन से ही पता चल जाता है कि पेज को नंबरिंग करने का कार्य ऑप्शंस करता है। कई बार आप मॉडल पेपर या एग्जाम पेपर या फॉर्म बनाते हो और आपको लगता है कि मैं जितने भी फॉर्म प्रिंट करूँ उसमें से हर एक पेज पे पेज नंबरिंग हो करके प्रिंट हो, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, तो यहाँ पे आपको मिलता है पेज नंबर का ऑप्शन। यहाँ पे आपको मिलता है जो है टॉप ऑफ पेज, यानी पेज के सबसे ऊपर आप नंबर लगाना चाह रहे हो तो ऊपर लगेगा। फिर आपको मिलता है बॉटम ऑफ पेज, यानी पेज के नीचे आप अगर जो नंबर लगाना चाहते हो तो वहाँ पे। पेज मार्जिन, यानी मार्जिन के पास। करंट पोजीशन, यानी जहाँ आपका पेज होता है जहाँ से स्टार्टिंग वहीं से। तो यहाँ पे कई तरह के पेज नंबरिंग आपको यहाँ मिलते हैं, जैसे पेज नंबरिंग आपको चाहिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपको सिंपल दिखा दे रहा हूँ, टॉप ऑफ पेज यानी पेज के सबसे ऊपर जो है हम देखें यहाँ पे नंबरिंग करके दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे पेज नंबरिंग 1 लग चुका है। फिर क्लोज, ये भी आपका हेडर फुटर में ही लगता है। तो देखिए पेज नंबरिंग 1 जो है यहाँ पे लग चुका है। अब इसके बाद आप जैसे ही पेज 2 लेंगे, अभी मैं इंसर्ट मेनू में जाकर यहाँ से ब्लैंक पेज से पेज 2 ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी पेज 2 लिखेगा। अब इस तरह जितना भी पेज आप लेकर के पेपर या एग्जाम पेपर मॉडल पेपर जो भी आप बनाएंगे फॉर्म वगैरह, तो सारे पेज के ऊपर जो है नंबरिंग कर करके ये प्रिंट होता है 1, 2, 3, 4 करके। मैं कंट्रोल जेड से बैक चला जा रहा हूँ। ये आपका हो गया पेज नंबरिंग ऑप्शन। यहाँ पे आपको बटन में भी मिलता है, आप चाह रहे हैं कि पेज के नीचे आपका जो है पेज नंबरिंग हो तो आप बटन करेंगे, देखिए पेज के सबसे नीचे जो है आपका पेज नंबरिंग होता है। और भी यहाँ पे स्टाइल है, आप चाह रहे हैं पेज नंबरिंग जो अभी देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड से हो रहा है, या आप चाह रहे हैं बीच से हो या राइट साइड से हो, तो इसके लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। जैसे भी देख पा रहे हैं बटन में हम जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमको मिलता है प्लेन नंबर 2, तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ये नंबरिंग जो होता है ये पेज के बीचों बीच में आपको जो है आ चुका है। तो ये सारे स्टाइल्स हैं, आप पेज नंबरिंग जैसा आपको प्रयोग करना है यहीं से आप जो है इसी ऑप्शन से आप पेज नंबरिंग लगा सकते हैं। आगे का जो मेरा ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है, ये हमारा लिखने का एक बॉक्स होता है। यहाँ से आप जाएंगे तो आपको कई तरह के बॉक्स मिलेंगे लिखने के, देखिए यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी चित्र आपको दिख रहा है, ये सेंटर में है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये भी राइट में है, ये सेंटर में है। तो जिस स्टाइल का आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रीव्यू है जो पहले से ही थीम्स बने बनाए हैं एमएस वर्ड में। मैं अभी सिंपल में ये आपको ले रहा हूँ अल्फाबेट्स ये वाला, तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पेज में जो है ये बीचों बीच में आ जाता है। और यहाँ पे जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो एक फॉर्मेट का मेनू भी शो होता है, तो इस फॉर्मेट के मेनू के ऑप्शंस को भी जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है लिखने का, और ये हमारा एक तरह का सेप्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए लिख रहा है टाइप, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे अभी कुछ हम डिलीट करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ हमने टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमारा देखिए पेज के बीचों बीच में है, और इसको आप कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो 4 एरो की तरह आपका पॉइंटर बनता है, आप इसको सेलेक्ट करके जो है ऊपर भी ले जा करके कहीं भी स्थिर करके रख सकते हैं। अभी देखिए, और इसके साइज को भी मॉडिफाई आपको करना है तो यहाँ से आप इसके साइज को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा आपको जरूरत हो इसके साइज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मेट मेनू खुलता है इसको लेकर के इसको हम लोग सीखते हैं। पहला मेरा जो ऑप्शन है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, तो अभी जो टेक्स्ट बॉक्स आपने बनाया ये आप यहाँ से जो है आकर के टेक्स्ट बॉक्स से इंसर्ट किए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है ड्रा करने के लिए फॉर्मेट में, आप खुद का टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख पा रहे हैं मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया हूँ, आप टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से जो है ड्रा भी करके इसमें कोई भी मैटर लिख सकते हैं। ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने का जो है ऑप्शन
कार्य करता है। कंट्रोल जेड से हम जो है इसको बैक करके चलते हैं आगे। आगे ऑप्शन मेरा जो है टैक्स डायरेक्शन। तो टैक्स डायरेक्शन में ये होता है कि आप जो भी जो टैक्स लिखे हैं ये हमारा लेफ्ट साइड से राइट साइड में लिखाया है, आप इसको अलग अलग एंगल में जो है रोटेट करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स में आप इसको लिख सकते हैं टैक्स को। आगे का जो मेरा ऑप्शन से क्रिएट लिंक, इसके माध्यम से हम जो है टैक्स को लिंक में क्रिएट करते हैं, तो ये आगे चल के हम सीखेंगे। अगला ऑप्शन मेरा जो यहाँ पे मिलता है टैक्स बॉक्स स्टाइल, यहाँ पे क्या होता है अभी जो है टैक्स को हम लोग सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे हमको मिलता है टैक्स बॉक्स स्टाइल, जहाँ पे टैक्स बॉक्स में अलग अलग कलर फील रहते हैं, स्टाइल हैं उनको, जैसा आपको स्टाइल चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए अब जिस तरह का स्टाइल चाहिए इस टैक्स बॉक्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका फार्मेट मेन्यू खुलेगा। आगे मिलता है यहाँ पे सेल्फ फिल ऑप्शन, तो सेल्फ फिल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, खुद का कोई कलर इसके अंदर आप भरना चाह रहे हैं तो आप देखिए भर सकते हैं, यहाँ से कोई अच्छा कलर आपको चाहिए यहाँ से भी आप जो फिल करके कर सकते हैं। अगर जो आपको चाहिए मोर कलर तो मोर कलर में जाके यहाँ से खुद का कलर भी आप डिफाइन करके फिल कर सकते हैं उसके अंदर। और भी यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, आपको अगर जो पिक्चर लाना है तो यहाँ पे सेल्फ फिल में चले जाइए, आप अपने कंप्यूटर से अपने लोकेशन से जहाँ कहीं भी फोटो है आप सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो फोटो भी आपके जो है टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको मिलता है ग्रेडियंस, ग्रेडियंस में भी जाके आप ग्रेडियंस भी ला सकते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स के ग्रेडियंस भी आपको अवेलेबल मिलेंगे, जो ग्रेडियंस आप यहाँ से ही ले सकते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन से यहाँ पे हमको मिलता है टेक्सचर, आप टेक्सचर भी लगाना चाह रहे हैं तो इस तरह का जो है टेक्सचर भी लगा सकते हैं। इसमें जो टेक्स्ट है उसको बड़ा करना हो तो सेलेक्ट करके होम मेनू में आप यहाँ से ग्रो फॉन्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे का यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन है पैटर्न, आप अगर जो पैटर्न लगाना चाह रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो यहाँ पे जो है आप पैटर्न भी पसंद कर सकते हैं। पैटर्न का जो हमारा है फॉरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, जो यहाँ पे आप पसंद कर लीजिए जो कलर आपको अच्छा लगता है तो वो वाला पैटर्न जो आप यहाँ से लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस तरह का जो है आप सेट्स फिल अलग अलग स्टाइल में कर सकते हैं। आगे जो मेरा ऑप्शन है सेट्स आउटलाइन, तो आउटलाइन क्या होता है, जो सेट्स हमारा ये है इसका आउटलाइन यानी बॉर्डर जो होता है किनारा, वो आप किस तरह का करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जिस तरह का आप कलर में करना चाहेंगे यहाँ से आप उसको भी कर सकते हैं। देखिए और इसको आप इसके वेट को जितना बढ़ाना चाह रहे हैं आप यहाँ से मोटा पतला भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मोटा हो चुका है। ये भी हमारा हो गया सेट्स का आउटलाइन बढ़ाना, और डैश डैश में चाहिए तो आप डैश डैश में भी जो है कर सकते हैं। देखिए पैटर्न में चाहिए तो आप पैटर्न में भी उसके एरो को जो है उसका आउटलाइन को कर सकते हैं। ये सारे डिजाइन जो हमारे होते हैं फार्मेट में होते हैं मॉडिफाई करने के लिए। आगे का जो मेरा यहाँ पे ऑप्शन है चेंज सेट्स, कई बार ये होता है कि आप टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, टेक्स्ट बॉक्स को आपको अच्छा नहीं लगता है, आपने इसमें मैटर टेक्स्ट जो है टाइप कर दिया है तो आप टेक्स्ट सेट्स में जा करके चेंज सेट्स में आप इसके सेट्स को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको सारे सेट्स मिलेंगे, आप जो सेट्स पसंद करना चाहेंगे यहाँ पे जो है आप लगा सकते हैं, चेंज सेट्स के माध्यम से आप चेंज भी कर सकते हैं सेट्स को। देखिए यहाँ पे अलग अलग डिजाइन भी मिलते हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसको मॉडिफाई करने के लिए इस तरह यूज कर सकते हैं, देखिए जो पीले बिंदु हैं यहाँ से भी, और इसको आप रोटेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको अलग अलग एंगल में रोटेट भी करके टेक्स्ट बॉक्स को रख सकते हैं। ये मेरा ऑप्शन जो है चेंज सेट्स कंप्लीट हुआ। आगे का जो मेरा ऑप्शन है ये हमारा है शैडो इफेक्ट, थोड़ा कंट्रोल जेड करके हम लोग बैक चलेंगे। तो शैडो इफेक्ट का काम क्या होता है कि आप जो टेक्स्ट टाइप किए हैं और जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको आप शैडो करना, शैडो यानी प्रतिछाया उसका बनाना, तो यहाँ पे जाएंगे तो अलग अलग शैडो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कई तरह के एंगल में मिलेगा, लेफ्ट जो है लेफ्ट राइट बैकग्राउंड में आप यहाँ से शैडो कर सकते हैं। शैडो कलर आपको यहाँ मिलता है, जो कलर आपको चाहिए शैडो का यहाँ पसंद कर लीजिए, जैसा भी हमें आप जो है ये वाला कलर पसंद कर लेते हैं, अब जब हम शैडो करेंगे तो ये उसी कलर में जो है शैडो आपको दिखेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कई बार ये होता है शैडो लगाने के बाद आप शैडो को कम करना चाहते हैं या अधिक करना चाहते हैं या थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से चारों तरफ से आप शैडो को लेफ्ट राइट, देखिए ये लेफ्ट है ये राइट है, ये टॉप साइड में है ये बॉटम साइड में, और बीच वाला अगर जो आप प्रेस करते हैं तो इससे शैडो हाइड और शो होता है, जैसे कि ये देख पा रहे हैं हाइड शो। शैडो को और ऊपर आप ले जाना चाह रहे हैं तो और ऊपर भी ले सकते हैं,
अगर जो आप बटन लेना चाह रहे हैं बटन यानी नीचे, तो आप नीचे भी ले सकते हैं। राइट साइड में ले जाना है शेडो को तो राइट साइड में भी यहाँ से ले सकते हैं, और लेफ्ट साइड में लेना है तो राइट साइड में लेना है तो राइट साइड में ले सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड में, ये चारों तरफ आप जो है शेडो को लगा सकते हैं। आगे के जो मेरा ऑप्शन है 3D इफेक्ट, इसी टेक्स्ट बॉक्स को आप 3D में बनाना चाह रहे हैं यहाँ से 3D भी आप बना सकते हैं। देखिए अलग अलग एंगल के यहाँ पे आपको 3D मिलते हैं, जितना अधिक और कम आपको 3D की ज़रूरत होती है यहाँ से आप अपने हिसाब से जो है पसंद कर सकते हैं जिस एंगल में जरूरत। यहाँ पे भी आपको मिलता है 3D कलर, जो कलर आप 3D का पसंद कर लेंगे। देखिए यहाँ 3D कलर, मैं ये कलर डाल दे रहा हूँ तो देखिए ये कलर 3D का जो है शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है डेप्थ, इसके माध्यम से 3D कितना कम और बेसी रहेगा, जैसे 0 PT रहेगा, 36 है, 72 है, तो जितना आपको यहाँ से चाहिए हाईएस्ट कम से कम 3D वो आप कम बेसी कर सकते हैं। डायरेक्शन है 3D का किधर होना चाहिए, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेफ्ट राइट इधर आपको चाहिए उधर का आप जो है 3D यहाँ पे लगा सकते हैं। 3D की लाइटिंग है, कितना डार्क और फीका आपको रखना है 3D की लाइट को, वो भी यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मल जो है ब्राइटनेस कम बेसी यहाँ पे आप कर सकते हैं 3D में, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस तो नहीं है, तो जैसा आपको 3D की ज़रूरत पड़ती है, 3D नहीं भी चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है नेचुरल, आप नेचुरल भी कर सकते हैं। कई बार 3D करने के बाद आप चाह रहे हो 3D को थोड़ा सा रोटेट करना, किसी एंगल में घुमाना, यहाँ पे भी आपको जो शैडो की तरह ऑप्शंस मिलते हैं उसी तरह 3D में भी आपको मिलता है। आप इसको भी जो है लेकिन यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट बटन जिधर आपको चाहिए आप इसको घुमा सकते हैं। बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है कि हमको 3D नहीं चाहिए तो यहाँ से भी आप 3D आइसो कर सकते हैं। आगे के जो ऑप्शंस मेरे हैं पोजीशन, तो पोजीशन का काम क्या होता है, अपने पेज पे आप इस टेक्स्ट बॉक्स कहाँ रखना चाह रहे हैं, पोजीशन में आपको मिलता है लेफ्ट सेंटर राइट टॉप बटन, जिस जगह अपने पेज पे आप रखना चाह रहे हैं इसको रख सकते हैं। अभी देखिए हम राइट साइड में क्लिक कर दे रहे हैं, ये जो मेरा है टेक्स्ट बॉक्स आप देखिए पेज के सबसे नीचे राइट साइड में चला गया है। आप अगर जो इसको टॉप में करेंगे बीचों बीच में आप देखेंगे तो ये सबसे टॉप में बीचों बीच में पेज में चला गया, ये हमारा जो है ये कार्य होता है। आगे के मेरे जो ऑप्शंस है ब्रिंग टू फ्रेंड, ये हमारा क्या होता है, ये कई सेट्स जब हमारे होते हैं ऊपर नीचे आप बना करके रखे हो, जैसे कि अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं, हम यहाँ आ जाते हैं इंस्टेंट मेनू में और यहाँ पे कुछ सेट्स हम लोग जो है ड्रा कर ले रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं ये दो सेट्स हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ब्रिंग टू फ्रेंड का काम क्या होता है, नीचे वाला जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद ब्रिंग टू फ्रेंड करेंगे तो ये देखिए ऊपर आ जाता है, सेंड टू बैक करते हैं तो ये बैक चला जाता है। तो ये दो सेट्स को ऊपर नीचे करने के लिए हमारा जो प्रयोग होता है। अगला ऑप्शन हमारा है टेक्स्ट रैपिंग, तो टेक्स्ट रैपिंग का काम क्या होता है, इसके लिए हम जो है पेज पे थोड़ा सा कहीं पे भी टाइप कर लेते हैं, चलिए इसको तो इस सेट को हम डिलीट कर देते हैं, और अभी हम कुछ जो है यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, इसके लिए हम जो है इक्वल ग्रैंड यहाँ पे हम जो है कुछ टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए पेज पे हमने जो है टाइप कर लिया है, और जो टेक्स्ट बॉक्स है ये मेरा पेज के ऊपर है, अगर जो हम टेक्स्ट बॉक्स को नीचे ला रहे हैं तो देखिए जहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स को ले जा रहे हैं वहाँ से हमारा जो टेक्स्ट है ये हट जा रहा है। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में आने के बाद टेक्स्ट रैपिंग का यूज करते हैं। तो टेक्स्ट रैपिंग के हिसाब से अभी देखिए यहाँ टाइप करेंगे, ये देखिए आपका जो है टाइप हो चुका है, और अगर जो आप यहाँ पे क्लिक करके करते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, तो बिहाइंड टेक्स्ट से क्या होता है टेक्स्ट इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर से जो है चला जाएगा, और ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा जो है पैराग्राफ के नीचे हो जाता है। और अगर जो आप इसको फ्रंट पे करना चाहते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर जाएगा। अब टेक्स्ट आप टेक्स्ट बॉक्स कहीं भी मूव करेंगे टेक्स्ट के ऊपर तो टेक्स्ट आपका जो है नहीं हटेगा, तो इनके लिए जो हम इसका यूज करते हैं। आगे का जो मेरा ऑप्शन है अलाइजन है, इसको भी हम जो है लेफ्ट राइट सेंटर में जहाँ रखना चाह रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से रख सकते हैं। अगला ऑप्शन मेरा जो है ग्रुप, ग्रुप के लिए हम थोड़ा कंट्रोल जेड करके बैक चल चलते हैं, देख लेते हैं ग्रुप का काम क्या होता है। तो ग्रुप का काम ये होता है कि आप दो सेट्स को अगर जो बनाए हुए हैं, जैसे अभी दो सेट्स हैं, आप चाह रहे हैं इन दोनों सेट्स को जो है हम एक साथ लिंक कर दें ग्रुप कर दें, तो एक आप जो सेट्स है इसको सेलेक्ट करिए कंट्रोल बटन के साथ, अब ये सेलेक्ट है कंट्रोल बटन के साथ आप दूसरे को भी जो है सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही दोनों सेट्स और टेक्स्ट बॉक्स आपका सेलेक्ट हो जाएगा तो आप आ जाइए फॉर्मेट में, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन शो हो जाएगा, आप जैसे ही ग्रुप करेंगे तो ये दोनों जो है ग्रुप हो जाएंगे यानी एक साथ हो जाएंगे। इनको आप जब मूव करेंगे तो देखिए ये दोनों एक साथ जो है मूव होते हैं, देखिए दोनों लिंक हो चुके हैं,
आप इनकी साइज को कम बेसी करेंगे तो दोनों एक साथ छोटे बड़े होंगे, और इनको कहीं भी ले जाएंगे पेज के ऊपर तो ये दोनों साथ में जाएगा। यानी कई सेल्स को और टेक्स्ट बॉक्स को आप एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। फिर आगे ऑप्शन इसी में आपको मिलता है अनग्रुप, यानी ग्रुप को हटाना है तो आप अनग्रुप कर दीजिए, पेज पे कहीं भी पॉइंटर को क्लिक कर दीजिए, ये आपका अलग हो जाता है। फिर आप इसको अलग अलग मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर आपको चाहिए कि मैं इसको फिर से ग्रुप करना चाह रहा हूँ, तो आप ग्रुप न करके यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको मिलता है इसी के अंदर रीग्रुप। जैसे ही आप रीग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों सेल्स फिर से आप जो है ग्रुप में हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए इसका यूज कर सकते हैं। अभी का जो मेरा ऑप्शन है रोटेट, अभी इसको हम जरा अनग्रुप करके देख लेते हैं। ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है इसको आप रोटेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से भी रोटेट आप कर सकते हैं। जैसे सेल्स है इसको आप रोटेट करना चाहेंगे जिस एंगल में, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। अगला मेरा जो यहाँ पे ऑप्शन है यह है हाइट, तो हाइट क्या होता है टेक्स्ट बॉक्स की हाइट पर कम बेसी जितना चाहिए यहाँ पे आप जो है कर सकते हैं। यहाँ से उसकी चौड़ाई को बढ़ाना चाह रहे हैं आप बढ़ा सकते हैं। इसके लिए खास करके मिनी ऑप्शंस को जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये जो मेरा होता है ये टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेट था, ये पूरे ऑप्शन यहाँ पे जो है हम लोग कम्प्लीट कर दिए, इनकी भी आवश्यकता ज़्यादा होती है टेक्स्ट बॉक्स को जब आप बनाएंगे। अगला जो मेरा ऑप्शन है इंसर्ट मेनू में क्विक पार्ट, तो क्विक पार्ट का काम क्या होता है, क्विक पार्ट में कुछ ऑप्शन हमको मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे जब जाएंगे अभी हम इस सारे मैटर्स को कंट्रोल लेकर के डिलीट कर लेते हैं, या कंट्रोल जेड करके हम लोग बैक चल चलते हैं। चलिए देखिए अब हमारा जो क्विक पार्ट होता है, तो क्विक पार्ट में जैसे ही आप जाएंगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंतर्गत यहाँ पे मिलता है कमेंट्स कैटेगरी ऑथर कंपनी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ ऐसे वर्ड लिख रहे हैं, अभी हम बैग आ जाते हैं, जैसे कुछ किसी कंपनी का नाम यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे गए कंपनी, अब कंपनी जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंपनी का एक बॉक्स शो होता है, तो इसके अंदर आप जो टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने टाइप कर दिया टाटा, थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्पेस दे दिया टाटा कॉर्पोरेशन इंडिया LTD। जैसे कि देख पा रहे हैं ये टाटा कॉर्पोरेशन इंडिया PVT LTD हमने यहाँ पे टाइप कर दिया पेज पे, तो ये जो कंपनी बॉक्स करके है इसके अंदर ही हमने टाइप किया है। अब इसको हम जो बाहर क्लिक करेंगे तो ये नहीं शो होगा, इसके लेफ्ट राइट टॉप बटन आप कुछ भी कहीं पे भी कुछ टाइप कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर ले रहे हैं, तो ये जो बॉक्स है जब कभी भी इस बॉक्स के अंदर आप आएंगे, तो जैसे ये टाटा कॉर्पोरेशन इंडिया PVT है, तो इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या है यहाँ पे इस बॉक्स में जो आपको शो करेगा ये कंपनी है। तो ऐसे करके हम अलग अलग बॉक्स लेकर के लिखने के लिए जो क्विक पार्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है जैसे मैनेजर, तो मैनेजर का बॉक्स आपको चाहिए, आप क्लिक कर लीजिए मैनेजर का बॉक्स। मान लीजिए इसके मैनेजर हैं अमित सिंह, तो अमित सिंह आप टाइप कर दिए तो ये बॉक्स, अभी जैसे ही आप पॉइंटर को दूसरे जगह क्लिक करेंगे तो खाली यहाँ पे अमित सिंह शो होगा, पर जैसे ही अमित सिंह नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या है ये यहाँ पे बॉक्स में शो हो जाएगा कि ये मैनेजर है। तो ऐसे करके क्विक पार्ट में यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है मिलते हैं, जिस तरह का बॉक्स आपको चाहिए यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे कमेंट्स है, सब्जेक्ट है, टाइटल है, कंपनी फ़ोन नंबर है, मान लीजिए आप कहीं भी कंपनी फ़ोन नंबर लिखना चाह रहे थे यहाँ पे आप बॉक्स ले लीजिए, फिर इसके अंदर जो भी कंपनी का नंबर है लिख लीजिए, और जैसे ही बाहर रहेगा तो ये नंबर शो होंगे, पर जैसे ही नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कंपनी फ़ोन नंबर। ऐसे बॉक्स के लिए जो हम क्विक पार्ट का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन मेरा जो है वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट करके और जो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं इसको हम लोग जो है अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक जो मेरा वीडियो था ये कंप्लीट हो गया, और आप लोगों को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और पीछे के सिलेबस अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के इंसर्ट मेनू के और बेसिक ऑप्शन जो पीछे के हैं ये हमने बताए हैं, और पहले वीडियो में होम मेनू को बताएं, इन सबको आप लोग देख करके कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।